तो आने वाले टाइम में इतना ज़्यादा ओपन स्पेस बना दिया है, लाइन आपको यहाँ तक लगानी पड़ेगी और उसके बाद जो है ये आपकी एंट्री के लिए। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस बनाया है यार इस बार तो। तो ये मंदिर परिसर का एग्जिट गेट है। जब आप यहाँ से एग्जिट लेते हैं तो कॉरिडोर की जो एंट्री होगी, एंट्री उसके एग्जिट लेते ही यहाँ से शुरू हो रही है और सबसे पहले देखने को आपको ये मिलेगा। बहुत ही अच्छी बना रखी है ये। तो आपको अब सब कुछ दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, क्या क्या नया आया है मंदिर में। तो ये हैं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र। इसके बाद आपको ही मिलेगा महालक्ष्मी जी की मूर्ति देखने को मिलेगी। थोड़ा सा धूप की वजह से हो सकता है आपको क्लियर ना दिखे माँ की मूर्ति। तो ये वाली जो प्रतिमा है इसके जस्ट बैक साइड में अगर आप देखेंगे इधर की तरफ तो आपको एक भगवान शंकर की एक ये आपको मिलेगी देखने के लिए मूर्ति। बहुत ही अच्छी बनाई हुई है यार। ये शिवकानंदिकेश्वर अवतार। कपालिक शिव, भगवान कपालिक शिव का है ये। तो अभी बढ़ते हुए महाकाल सेतु की तरफ आपको यहाँ पे भी दिखाते हैं एग्जैक्टली क्या है आपको देखने को मिलेगा। रीडिंग
और हमारे सबके प्यारे बजरंग बली। सो गाइज, आने वाले टाइम पे जो जैसे कि लग रहा है मुझे, ये योनो SBI की तरफ से जो है ये गाड़ियाँ प्रोवाइड की गई हैं, जो कि आपको पूरे दर्शन जो है बैटरी वाली कार के थ्रू कराएगी पूरे। ये हमारे पंचकों की हनुमान की मूर्ति। भगवान शिव का शरभ अवतार। तो मैं इनके जो जो सबके नाम है मैं आपको नाम के साथ ही दिखाऊंगा। श्री दत्तात्रेय अवतार। और ये हम सबके वफादार दोस्त लोग, पहचानते तो होंगे आप इनको दोनों को। आपको एक चीज, सो गाइज, यहाँ पे आपको एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, जितनी भी ये मूर्ति बनी हुई है इनमें जो है आपको यहाँ पे सबके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, एक साइड आपको हिंदी लैंग्वेज में मिलेगी और दूसरी साइड आपको जो है इनके बारे में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगी। सो जैसा जिसके लिए कम्फर्टेबल हो समझना, तो वो वैसे उसको रीड आउट कर सकता है। सबके लिए तो दिखाना, हर एक मूर्ति का दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए, लेकिन हाँ सबके नाम मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, अवतार की फ़ोटो के साथ जो है उनके नाम भी मैं आपको दिखाऊंगा। सो ये हमारे प्यारे शिव नीलकंठ रूप में, यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके जो गले के बीचों बीच है वो ब्लू रंग का दिखाया गया है। सो जिसकी पहचान है कि ये नीलकंठ महादेव की है। खंडोबा जी का अवतार है। भाई लोग, मेहनत बहुत कर रहा हूँ यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना, बहुत ज़्यादा गर्म है फर्श इस समय, बस खुद से भी अच्छा लग रहा है देखने के लिए और आप लोगों को भी दिखाना अच्छा लगेगा, बस बदले में एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को और लाइक भी ज़रूर करिएगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा है।
तो ये हमारे सप्तऋषि। भाई तो भाई मंदिर इतना बड़ा है कि समय यहाँ पे घूमते घूमते अगर किसी को प्यास लगे तो पानी का भी अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। वाटर कूलर लगाए गए हैं और उसी के साथ ही ये जो आप देख रहे हैं इसके आगे ये है कचरा डालने के लिए डस्टबिन। सो यार गंदगी मत फैलने देना, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं सबको बता देना यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं बिल्कुल भी। Thank you.